जान भी हमारी जाएगी तो जान भी देने को कुर्बान है, कोई बात नहीं है। हाँ सच में मोदी के घुटने नीचे टकवा के जाएंगे, तब से पहले ये किसान यहाँ से नहीं जाएगा। जब तक ये तीनों बिल नहीं रद्द होते तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। तो दिया समाधान निकाल रहे हैं, नहीं ऐसे कहने से बहुत दिन हो गए, कहते कहते करो ना, करके दिखाओ वापस। जब तक नहीं होते जब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। मोदी को शर्म आनी चाहिए, वो खाता क्या है? मेरे को जूता की जरूरत है, मैं जूता ही पहनूंगा, चप्पल जबरदस्ती पहनाएगा क्या मेरे को? ये अंबानी अंडानी हमारे पंजाब में पाँव रख के दिखाएं, इसके पाँव काट देंगे हम लोग। ये अंबानी अंडानी हमारे पंजाब में बढ़ के दिखाएं, इनके पाँव काट के रख देंगे। इनके बाप दादे की जगीर नहीं है पंजाब, जुलम खुला चैलेंज करते हैं हम लोग डरते नहीं है। अगर उनको इतना ही दो हमारे पंजाब में पाँव रख के दिखाएं, फिर देखेंगे क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये दिल्ली हरियाणा का सिंधु बॉर्डर है, जहां लगातार किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीछे हटने का लगातार कोई नामो निशान नहीं है। मोदी सरकार के बिल्कुल सामने खड़ी है ये किसान, जो लगातार अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठा रही है। जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, इनकी प्रमुख मांगे हैं तीन बिल, जो काला कानून जिसे किसान कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। यही बात है ना सर? कैसा देख रहे हैं इस काले कानून को, जिसे आप काला कानून भी कह रहे हैं? सर असि इसका डट के विरोध कर रहे हैं। ये जो काले कानून आ रहे हैं साडे देश लिए बहुत माड़े कानून ने, ये किसान नु मारू कर रहे ने। मारू कानून है? हाँ जी बिल्कुल जी, मारू कानून है किसान के लिए। इसके नाल हमारा कोई फायदा नहीं है, सरकार बोल रही है कि किसान का फायदा चल रहा है। जो किसान का फायदा होता तो किसान ही वहाँ क्यों धक्के खा रहा होता? किसान तो देखो क्या हार चल रहा है किसान का। लेकिन कोई ऐसी चीजें दिख नहीं रही है जिससे कि ये बिल जो है वापस लिया जाए। मोदी सरकार बिल्कुल आपके सामने खड़ी है और कह रही है कि वापस नहीं होगा। ये सर जरूर लाएगी मोदी सरकार वापस, जब तक ये वापस नहीं लाएगी तब तक हम यही डटे रहेंगे और डट के विरोध करेंगे इसका, तब तक वापस नहीं जाएंगे। 15 दिन हो गए आएगा, 15 दिन हो गए हमारे हाँ हमको आए को, यहीं रहेंगे जब तक फैसला ना कोई हुआ हमारे हक में। चाहे 5 साल 2 साल 3 साल 10 साल लग जाए, लंगर पानी छका सारा कुछ आ रहा है हमको, मिल रहा है हमारा सारा यहीं परिवार यहीं बैठा है। हम घर पे एक ही एक एक आदमी है हमारे घर पे, बाकी सारा सारा पूरा पूरा परिवार ही हमारा वहाँ बैठा है। हम नहीं जाएंगे तब तक, जब तक नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम डट के विरोध करते हैं इस सरकार का। देखिए बड़ी बात है, सोच के बोलिए। बिल्कुल जी, कोई बात नहीं है, हमें कोई डर नहीं है इस सरकार का, कोई डर नहीं, नहीं कोई डर नहीं है। ये मोदी सरकार जो है ना, ये मोदी सरकार मुर्दाबाद है। हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है हमको। लेकिन मोदी सरकार ने कह दिया कि वो बिल जो किसानों को जिससे नुकसान है वो चीज उसमें से हटा दी गई है, लेकिन किसान फिर भी नहीं मान रहे जी। कोई नहीं हटाएगा, पूरे वापस रद्द करवाएंगे इसको, जब तक ये सरकार वापस नहीं जी, बीच का कोई समाधान नहीं जी, पूरा रद्द करना है, डट के विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे इसका। जान भी हमारी जाएगी तो जान भी देने को कुर्बान है, कोई बात नहीं है। हाँ सच में देखो, कोई बात नहीं है, जान देनी पड़ेगी तो देंगे। हमारे गुरु साहब ने भी यही किया ना, बिल्कुल इसका डट के विरोध करते हैं। गुरु नानक पातशाह के हम जो है वारस हैं, गुरु गोविंद सिंह के वारस हैं, उन्हें सारा परिवार ही वार दिया ना, जैसे वैसे ही हम बैठे हैं, ऐसे ही चलेंगे, तब तक कोई नहीं वापस जाएगा जब तक। बिल्कुल कोई बात नहीं है, हमें कोई डर थोड़ा इसका, कोई डर नहीं, अडानी अंबानी ने लाए, कोई डर नहीं है। अडानी बानी हमने बनाया इनको, हमारे बनाए बने, ये खुद घर से थोड़ा बन गए, ये हमने बनाया इनको, हमने बनाया तो उतारेंगे हम भी इसको। जे इसको थोड़ा सा जनता के बारे में महसूस होता तो इतनी जनता जो धक्के खा रही है इसको, आके इसको दिखता नहीं है कि क्या हाल चल रहा है इसको। यही है ना अंबालमा कि हम ही है राजा, कोई बात नहीं है इसको, कोई डर नहीं है इसका। राजा तो है ही, कौन सा राजा? ये राजा, राजे वाली काम है, ये झूठ से झूठ के भरे हुए लोग, कोई राजा नहीं है, मोदी राजा नहीं है, नहीं राजा, बिल्कुल नहीं राजा। कौन से कानून बना दिए उसने, बना के अपने घर से रखे है ना। अच्छे हाँ,
मोदी राजा? हाँ मोदी राजा नहीं है, नहीं मोदी राजा कह रहे हैं कि ये कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक डट कर मुकाबला करेंगे। डट के करेगा, बिल्कुल मुकाबला करेगा। तिने कानून जब तक रद्द नहीं कर सकता उतो तक वापस पिंड नहीं जाएगा। 15 दिन हो गए आया नु, होर जितना चिर मर्जी चल लग जाए, भावे 15-20 साल लग जाए। मोदी जी ने युग ले लिया, लंगर लिया सब कुछ, 6-6 महीने साल साल का लंगर साढ़े को जमा पिया है, इतो वापस नहीं जाएगा। कोई परवाह नहीं हमको यहाँ बैठने पे, घर का जो भी बिगड़ जाए बिगड़ जाए, यहाँ से नहीं जाएगी। जरा देख लीजिए, 15वां दिन आज है, जो किसानों की मांगें चल रही थी पिछले 15 दिनों से, 3 महीनों से पंजाब में लगातार ये प्रोटेस्ट पिछले 3 महीनों से, 3.5 महीनों से चल रही थी, किसान आज भी उसी मांग पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये बिल कानून वापस नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर आमने सामने खड़े रहेंगे। जी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी के ना घुटने नीचे टकवा के जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। यहाँ मोदी के घुटने नीचे टकवा के जाएंगे, तब से पहले ये किसान यहाँ से नहीं जाएगा। जब तक ये तीनों बिल नहीं रद्द होते तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। तो दिया समाधान निकाल रहे हैं, नहीं ऐसे कहने से बहुत दिन हो गए कहते कहते, करो ना करके दिखाओ वापस। जब तक नहीं होते जब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। मोदी को शर्म आनी चाहिए, वो खाता क्या है? यही किसान उगाता है उसको खाता है वो, उससे पेट भरता है वो, किससे भरता है पेट वो? ऊपर से कोई चीज नहीं करती। बड़ी बात है बिल्कुल। अमित शाह को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, यही कि ये तीनों कानून बंद करे, बिल्कुल खाना मरे इन पर, तो वो किसान भाई जाएंगे। जिससे नुकसान है उसको हटा दे रहे हैं, तो हटाओ ना। कब हटाएंगे? लॉकडाउन के अंदर इन्होंने कानून बनाया, इन किसान भाइयों को बुला के तब बना था कानून, लेकिन कह रहे हैं आपके फायदे के लिए है। क्या फायदा? अगर फायदा होता तो यहाँ बैठे होते, हम यहाँ बैठे होते क्या? अगर हमारे को फायदा होता तो यहाँ बैठे, हाँ पढ़े लिखे हम। अच्छा हाँ, रोटी खाना जानते हैं ना? जो पढ़ा लिखा नहीं ना होता रोटी खाना नहीं जानता, वो पागल होता। पागल नहीं है ये सारे, रोटी नहीं खाते हैं क्या? पागल है वो क्या? हाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कि वो पागल है। इनकी इतनी आवाम बैठी है, उनकी सुन नहीं रहा। आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं डर लगता, डर किससे डरना? मरना तो एक ना एक दिन मर जाएंगे, गोली मारेंगे क्या? मारते मेरे आगे, ये कह रहे डर नहीं लगता इनको। हाँ तो नहीं डर लगता, कौन सा डर वाली कौन सी बात है, हमें कोई नहीं डर लगता। ये कह रहे हैं कि डर नहीं लगता, नहीं लगता। किससे डरना है? जो है उन्होंने कह दिया तो सुनिए। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कह दिया कि ये जो कानून है जो पास हुआ है, जिसे आप काला कानून कह रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान होने वाली बात थी उसको हटा दिया वहाँ से, फिर भी आप मान नहीं रहे। हाँ हटाया, बताओ तो सही मेरे को कहाँ? अगर हटाया होता ये पब्लिक की तरफ संशोधन नहीं चाहिए, किसी संशोधन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है ना, आपको रद्द चाहिए। मेरे को जूते की जरूरत है, मैं जूता ही पहनूंगा। चप्पल जबरदस्ती पहनाएगा क्या मेरे को? नहीं पहनाएगा, जूता ही पहनेंगे। जब हमारे किसान भाइयों को मंजूर ही नहीं है हमको। मेरा नाम गुरनाम सिंह खालसा, कहाँ से? करनाल से। करनाल से? हाँ जी। बड़े समझदार लग रहे हैं। चल वो तो समझदार है, पता नहीं दिमाग खराब है हमारा, लेकिन आए हैं यहाँ किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ नुकसान हो रहा है बिल्कुल, आम पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है। जिस पब्लिक ने मोदी साहब को उस कुर्सी पे बिठाया था ना, तो वो देखना चाहिए किसने बिठाया मोदी साहब को उस कुर्सी पे। ये आम पब्लिक ने बिठाया ना, तो हमारे लिए बोल रहे हैं फायदे के लिए बनाए। सुनिए आपने कहा मोदी सरकार के घुटने पे ला देंगे। हाँ ला देंगे बिल्कुल, बहुत बड़ी फौज है, कैसे लाएंगे आप? पब्लिक फौज, फौज भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो हमारे ही भाई हैं, वो भी उन्होंने भी मोदी को वोटा दी, हमने भी दी है, तो हमने तो बिठाया उनको उस कुर्सी पे। ठीक है ना, वो भी तो हमारे भाई अलग थोड़ी लड़ेंगे इतनी ताकत से, जो लगातार कानून जो है वो एक ही बात पर आ रहे हुए हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी एक ही बात पर रहे कि संशोधन हो गया है, बिल वापस नहीं होगा। बिल हम लोग वापस करा के जाएंगे, तब तक हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, चाहे 6 महीने 6 साल चाहे 16 साल लग जाए, हम लोग इधर ही बैठेंगे, तब तक नहीं जाएंगे हम लोग। वापस नहीं होगा, नहीं जाएंगे हम लोग, इधर ही रहेंगे, डट के विरोध करेंगे इस बिल का। हम लोग विरोध करेंगे, हाँ डट के विरोध करेंगे। ये अंबानी अंडानी हमारे पंजाब में पाँव रख के दिखाएं, इसके पाँव काट देंगे हम लोग। ये अंबानी अंडानी हमारे पंजाब में बढ़ के दिखाएं, इनके पाँव काट के रख देंगे। इनके बाप दादे की जगीर नहीं है पंजाब, पंजाब हमारा है। हमारे गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हमको जमीने दी है, इन्होंने नहीं दी। जिगर वाली बात बोल दी, देखिए
खुला चैलेंज चैलेंज करते हैं हम लोग, डरते नहीं है। हमारे गुरु गोविंद सिंह ने 1.25 लाख से एक लड़ाया था, हम लोग डरने वालों से नहीं है, हम लोग भगाने वाले हैं। चैलेंज कर देंगे, जुल्म खुला चैलेंज करते हैं हम लोग डरते नहीं है। अगर उनको इतना ही दो हमारे पंजाब में पांव रख के दिखाएं, फिर देखेंगे क्या होता है। फिलहाल बिल के लिए आए हैं, बिल जो लगातार मोदी सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। इन तमाम किसानों का कहना है कि बिल जो है उसमें संशोधन नहीं होनी चाहिए, रद्द होना चाहिए। किसान इसी मांग को लेकर जो है सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। किसानों के आगे तमाम समस्या है। ये भी कह रहे हैं कि पिछले 6 साल के लिए बात हो रही थी 6 महीने की, अब 6 साल की हो गई बात, कि 6 साल का जो है राशन पानी जमा के रखा आपने। बहुत राशन है हमारे पास, बहुत राशन आ रहा है पंजाब से, कर रहे हैं। बहुत ज्यादा राशन आ रहा है पंजाब से, बच्चा लेके आ रहा है पंजाब से राशन। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है राशन का, बहुत है इधर के फौज भी तो हमारा ही राशन खा रही है, पुलिस खा रही है, इधर की सब लोगों को हम ही खिला रहे हैं। हमारे भाई है वो, हां जी अच्छा जी, जो पुलिस है वो भी हमारे भाई है, कोई आम आदमी थोड़ा, वो हमारे आदमी है, हमारे पंजाब के ही है। क्या इसमें क्या मतलब, एक मैं है जब तक वापस नहीं तब तक आप फटेंगे नहीं, जाएंगे वापस नहीं जाएंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, डट के विरोध करेंगे इसका।